हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल बिखरे रंग। सो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाली है बिकॉज आज हम क्यूट क्यूट से ब्रश होल्डर बनाने वाले हैं। सो उसमें का एक पीस तो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट पर अपलोड कर दिया था, बट जो बचे हुए दो पीस है उसके लिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, बहुत मेहनत लगती है यार लॉन्ग वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करके आना, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एज आई प्रोमिस्ड कि मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन लूँगी, तो आज का क्वेश्चन था मोल्डेड क्ले से रिलेटेड। तो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन लूँगी, बट आज हम क्ले के साथ ही काम करने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले ही इसका आंसर कर दूँ। तो क्वेश्चन ये था कि मोल्डेड क्ले को बनाते कैसे है, जो दो उसमें पार्ट आते हैं उनको कैसे मिक्स करना होता है। तो इसका आंसर सिंपल है, क्ले में ना दो पार्ट्स आते हैं, रेजिन बेस एंड हार्डनर, उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है, तो ही जाके वो प्रॉपर ड्राई होता है, अदरवाइज आपका क्ले ड्राई होगा ही नहीं और आप जो भी बनाओगे वो पूरी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो इसके रिलेटेड एक किस्सा भी है, मेरी एक फ्रेंड है तो उसे लगा था कि क्ले में दो आते हैं, एक पैकेट में दो क्ले, तो उसने सोचा कि मैं दो यूज़ करने से अच्छा एक ही पार्ट यूज़ करूँ तो एक बच जाएगा। तो उसने मस्त पूरा बना उसका क्राफ्ट, उसका DIY, एंड देन एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, वो सूख ही नहीं रहा है। देन शी कॉल्ड मी कि ये क्या हो रहा है, ये सूख क्यों नहीं रहा है। तो मैंने उसको ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि तूने कितने क्वांटिटी में क्ले मिक्स किया, इक्वल क्वांटिटी में किया या नहीं। देन शी सेड कि नहीं यार, मैंने तो एक ही पार्ट यूज़ किया। तो ये गड़बड़ होने से अगर बचना है तो सुनो, वीडियो ध्यान से देखो और क्ले को इक्वल पार्ट में मिक्स करना। तो ये रहा हमारा मोल्डेड क्ले, एंड एज आई सेड इसमें दो पार्ट आते हैं, ये है वो दो पार्ट। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ बचा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों पार्ट को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। सो यहाँ मेरे पास स्टोन भी था तो मैं स्टोन के ऊपर ही हमारा आर्ट करने वाली हूँ। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप क्ले की ही हेल्प से स्टोन जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ ना मैं हनी भी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसके दो ईयर्स बनाए हैं, या फिर ईयर्स की जगह आपको अगर फेदर्स बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हो, जस्ट दैट हमें उसे थोड़ा पीछे साइड स्टिक करना होगा। अब इसे पूरा ड्राई होने के बाद ना वाइट एक्रिलिक से पेंट करेंगे। अगर आपके पास जेसो अवेलेबल होगा तो जेसो का यूज़ करना, एंड इफ़ यू फील कि पेंट थोड़ा सा पतला है तो सेकेंड कोट भी आ सकता है उस पर। देन मैं यहाँ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर हमें ब्लैक स्ट्रिप्स मार्क करनी है, आप ये मार्कर से भी कर सकते हो, मैं पेंट ब्रश से ही कर रही हूँ, एंड यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है। थोड़े बहुत डिटेल ऐड करने के बाद हम वार्निश यूज़ करेंगे, उसका एक कोट देंगे, एंड वी आर डन विथ आर फर्स्ट पीस। अब आगे की प्रोसीजर भी सिमिलर टू फर्स्ट पीस ही है, बस हमें शेप्स पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ ब्रश एंड हमारी जो पैलेट होती है वो क्रिएट कर रही हूँ। एंड अगर आपको ना ये मोल्डेड क्ले के साथ काम करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो इसके ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस। सो जैसे कि एयर ड्राई क्ले होता है जो एक ही पैकेट में आता है, एंड बस क्ले निकालो और उसके साथ काम करो, आपको कोई चीज़ मिक्स वगैरह नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली आप क्ले के साथ काम कर सकते हो। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम ब्रश होल्डर बना रहे हैं, तो मैं ब्रश की ही हेल्प से हमारे क्ले पे मार्क्स बना रही हूँ। एंड आपको ये याद रखना होगा कि ये जब क्ले सेमी ड्राई कंडीशन में होगा तब भी आपको ये प्रोसेस करनी है। और एक बात कि जब भी हम मोल्डेड क्ले के साथ काम करें तो सरफेस पे ना हमेशा टैल्कम पाउडर डालना, बिकॉज आप कोई भी शेप बनाते हो और वो सूखने के लिए रख देते हो एंड वो सरफेस से ही स्टिक हो जाता है और बाद में निकालने में काफ़ी तकलीफ हो जाती है। तो बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग टैल्कम पाउडर हमेशा सरफेस पे डाल के रखना, सो दैट वो ईजिली मूव हो सके। बस तो फिर सिमिलर टू फर्स्ट पीस हम अपनी इधर भी कलर की प्रोसीजर सेम रखने वाले हैं। फर्स्ट कोट आएगा एक्रेलिक कलर का, वाइट एक्रेलिक कलर का या फिर जेसो का, एंड देन आएंगे हमारे कलर्स। और कई बार ना मुझे ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हम वॉर्निश का कोट अप्लाई करते हैं ना तो हमारा सरफेस का कलर स्प्रेड होने लगता है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो सरफेस के पेंट है वो ड्राई ही नहीं हुए होंगे एंड तब भी आप वॉर्निश अप्लाई कर देते हैं एंड तब वो जाके स्प्रेड होने लगता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि चीज़ ड्राई होने में कम्प्लीट आर तो दे ही देना, तो सो दैट कि वॉर्निश अप्लाई करने के बाद वो स्प्रेड ना हो। और हमारे क्यूट से ब्रश होल्डर्स रेडी है, आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं बाय द वे।
तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ना कमेंट जरूर करना कि आपको इनमें से कौन सा पीस सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेरा तो फेवरेट वो स्टोन वाला है, बहुत इजी एंड जल्दी से बन गया, वो मेहनत भी थोड़ी बहुत कम थी। तो आप अपना फेवरेट ज़रूर बताना, और हाँ उसके साथ साथ अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो भी बताना, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी एंड एफर्ट्स लूँगी कि मैं आगे से उस चीज़ पर और ध्यान दूँ। और हाँ सजेशंस भी देना कि आप आगे से कौन से टॉपिक पर वीडियो पसंद करोगे, तो मैं वो चीज़ें करने की ट्राई करूंगी। तो बस आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।